At this point, I am so tired now. अगले दिन की सुबह हो गई है, अभी अभी सोकर उठा हूँ मैं और 7:45 हो गए हैं। सो एक्साइटेड, आज भी हमने पूरा दिन घूमना ही है यहाँ पर और बाहर जाकर देखते हैं। पहले अभी चलता हूँ बाहर आपको लेकर, सुबह का जरा मौसम चेक करते हैं। तो अभी बाहर चलते हैं, थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह पीकर चलते हैं, लेकिन इन्होंने कॉफ़ी मशीन अंदर ही रखी हुई है। वैसे तो हम ये वाली कॉफ़ी पीते नहीं हैं, लेकिन पी लेता हूँ आज, क्लिक वगैरह करवाते हैं पिक्चर्स। तो एनीवेज, वेलकम बैक टू कंटा ब्लॉग। जो नए आए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग। बहुत बढ़िया दिन निकलेगा आज का। अभी अभी रेडी होकर हटा हूँ, टाइम हो गया है 10:03 सुबह के और 11 बजे तक हमें चेकआउट करना था। तो अभी बस मैं चेकआउट करूँगा। आज ये एडिडास वाला मैंने पहना हुआ है और नीचे ऐसे टी शर्ट पहन ली, क्योंकि गर्मी काफ़ी होगी। इस वक्त टेम्परेचर 17 डिग्री है और हाईएस्ट आज 26 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा। 26 डिग्री तक बहुत ज़्यादा गर्मी होती है 26 डिग्री में यहाँ पर कनाडा में, इसलिए मैंने ये ऊपर ऐसे ही पहन ली। तो ये उतारनी पड़ेगी बाद में जब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और इधर इन्होंने जो पीछे घोड़े रखे हुए हैं उस तबेले में, वहाँ पर है घोड़े रखे हुए इन्होंने, देख कर आते हैं जरा जाकर। ये देखो इस तबेले में इन्होंने यहाँ पर घोड़े रखे हुए हैं। अभी तो वो अंदर हैं इस तबेले के, चार नहीं नहीं अंदर नहीं है, वो रहे उधर साइड पे। वो देखो आपको दिख रहे हैं, दूर है, दो बच्चे हैं और दो बड़े वाले हैं। छोड़ दी वो वाली जगह, एक रात रुके वहां पर, काफी बढ़िया स्टे रहा, बढ़िया लगी मुझे तो जगह। टाइम हुआ है कुछ 10:30 पूरे। अभी रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट जाकर खाते पीते हैं, जरा ब्रेकफास्ट करते हैं पहले, फिर बाद में देखते हैं करना क्या है आज। तो आज 2-4 जगह घूमेंगे हम, फिर उसके बाद वापिस घर जाएंगे हैलिफैक्स। हैलिफैक्स जाने में भी 4 घंटे लगेंगे। हो गया अपना, लेकिन काफी लेट हो गए हम, 12:45 हो गए हैं। पहले लाइन लगी हुई थी बाहर, तो फिर इसलिए टाइम लग गया। और $37.90 लगे हैं। अभी हमने एक लड़के को उठाना है यहाँ से, मेरा फ्रेंड है जो यहाँ पर सिडनी में रहता है, तो उसको उठाना है अभी, फिर उसके साथ घूमते हैं। उसको 2-4 जगह पता है यहाँ पर जो घूमने वाली है। भाई अभी पहले हमने भाई को उठाया है, ये यहीं पर ना काम करता है कंसेंट्रिक्स, हाँ ऐसा कुछ कॉल सेंटर, कंसेंट्रिक्स में काम करता है। स्टडी तो इसने सडबरी से की है, सडबरी भी ऐसा ही है सडबरी भी कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसा ही है, कुछ छोटा सा ही है वो भी, लेकिन यहाँ पर ये PR के लिए मूव हुआ था। Come so far, they're going nuts, but how happy we are. See the bond that we made. It all seems real now that I'm not afraid. अभी हम आए हैं लुइसबर्ग, यहाँ पे कुछ 20-25 किलोमीटर दूर था वहाँ से, सिडनी से, लेकिन ये भी काफ़ी बढ़िया देखने वाली जगह है। तो फिर अगर आए हैं तो थोड़ा सा घूम ले अभी, लेकिन ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम है जैसा हैलिफैक्स में है ना, वैसा ही है सारा कुछ। तो फिर ज़्यादा कुछ खास हमें देखने को मिल नहीं रहा यहाँ पर, क्योंकि समुंदर ही है चारों तरफ, बंदा कितना समुंदर देख ले। टेम्परेचर 21 डिग्री है लेकिन लग नहीं रहा है। ये देखो जरा सामने कितना बढ़िया लग रहा है, सामने टूरिस्ट प्लेस है लेकिन टूरिस्ट है नहीं यहाँ पर, बस हम ही हैं। इस
तरफ देखो ये सारा सामने समुंदर है, सामने आइलैंड बने हुए हैं, देखो कितने सारे, एक वो सामने बना हुआ है, एक उधर समुंदर में आइलैंड बना हुआ है उधर, और वो सामने किला बना हुआ है, बहुत मैंने सुना है कि वो भी काफी बढ़िया किला है। देखते हैं अगर लगा टाइम तो वहां पर जाकर आएंगे, क्योंकि मौसम अभी यहां पर ठीक है, सिटी में घूमने वाला मौसम नहीं है, क्योंकि सिटी में बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन बाहर बहुत बढ़िया मौसम। अब हम बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं यहाँ पर लुइसबर्ग के, ये सामने देखो जरा ये सारे बादल है जो नीचे उतरे हुए हैं, देखो जरा ये समुंदर दिख नहीं रहा उससे आगे कि है क्या वहां पर, सारे बादल दिख रहे हैं नीचे, लेकिन पानी काफी ज्यादा साफ लग रहा है देखने में। अरे भाई कितना ज्यादा गहरा है, देखना जरा यहाँ से ये वाली ट्रेल जाती है उधर, और इसने मुझे अभी बताया कि वहां पर हर शाम को 4 बजे डॉल्फिन वगैरह आती हैं। Talking to each other, I know we feel the same about the situation, like we're stuck inside a game. Time to get out of this circle, yeah, we both carry a scar. Let's rewrite the part we're playing, time to cherish who we are. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance, not like anything we've done before, or yeah. Now it's time for something better, and time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Oh. Come run away, don't be afraid. देखो अभी हम जा रहे हैं किले की तरफ, यहाँ पर एक किला है, लेकिन एकदम से ना इतनी सारा, ये देखो मौसम क्या हो गया हाल इसका, कुछ भी नहीं दिख रहा आगे, मतलब ये साथ में समुंदर है मेरे। अभी हम किले में पहुंचे हैं, और एकदम से यहाँ पर इतनी ठंड है ना, मेरे आसपास देख लो कितनी फॉग सी हुई पड़ी है, पूरे किले के आसपास फॉग हुई है और ठंड हुई है यहाँ पर इस वक्त। मुझे मतलब पता चल रहा है कि ठंड है, ठंडी हवा चल रही है, चलो शुक्र है कि ठंडी हवा तो हुई, मजा आ रहा है थोड़ा सा ठंड में। अभी यहाँ पर असली चीज बनती होगी, दारू बनती होगी, यहाँ पर ड्रम रखे हुए हैं इन्होंने, यहाँ पर बड़े बड़े इन्होंने स्किन रखी हुई है यहाँ पर, लगती है कि असली है लेकिन मे भी असली ही हो, पता नहीं। बोट्स रखी हुई हैं, रैकेट रैकेट, टोकरे टोकरे भी हुआ। Mixed emotions, the first step is always hard when you walk out of the doorway, but that's just the place to start. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance, not like anything we've done before. मतलब है बढ़िया किला है, लेकिन ऐसी चीजें बंदा कितना देखेगा, हम लोग तो नहीं ना, हम लोग हिस्ट्री के तो है नहीं जो ये सब देखें, लेकिन चलो फिर भी ये देखो यहाँ से बाहर दिख रहा है, ये किले का मेन दरवाजा, वो था मेन दरवाजा, पुराना सा बना लग रहा है काफी ज्यादा ना, कुछ तो बढ़िया चीज है। चलो मेरा फोन ना गिर जाए कहीं नीचे, ये देखो वो है किले का दरवाजा, और वहां से एंट्री होती है, बढ़िया लग रहा है। लेकिन कहाँ पर अभी ना कुछ है नहीं खास, मतलब केप ब्रेटन में मुझे कुछ अभी मिल नहीं रहा घूमने के लिए, बस अभी किले के बाद मैं सोच रहा हूँ कि हम हैलिफैक्स के लिए निकल जाएं वापस, क्योंकि मुझे अभी कुछ भी नहीं यहाँ पर मिल रहा। अभी बस हम निकलने लगे हैं, अभी उसको छोड़ा है मैंने उसके घर पर, तो अभी बस वापसी हम करने लगे हैं अपने घर की, और 5 बजे पहुंचा रहा है हमें, अगर हम अब निकले तो रुकते रुकते भी जाएंगे, अभी खाना पीना भी है रास्ते में, खा पी कर भी जाएंगे, तो फिर इसलिए टाइम से मैंने सोचा था कि शाम को 5-6 बजे हम निकलेंगे यहां से, नहीं 5 बजे नहीं सॉरी पहुंचा रहा, ये पहुंचा रहा है हमें शाम को 8:30 बजे तक हम घर पहुंचेंगे अगर हम कंटिन्यूसली जाएं तो, लेकिन हम रुक रुक कर जा रहे हैं तो फिर टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली, तो अभी खाना भी है रास्ते में।
एट दिस पॉइंट आई एम सो टायर्ड नाउ। 4:41 हो गए हैं, अभी हम यहीं पर हैं और खाने के लिए लेने आया हूँ। यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट है एक स्वागत सिडनी में, यहाँ से नूडल्स करवाए हैं, अभी आ रहे होंगे, बन रहे हैं, देखते हैं कैसे हैं कैसे नहीं हैं। आई एम सो टायर्ड, आज कुछ भी घूमने को नहीं मिला अच्छा और गर्मी बहुत है ऊपर से, तो आज का दिन तो एक हिसाब से ऐसे ही बस टाइम पास ही था। जो अच्छे से घूमना था वो कल घूम लिया हमने, और अभी बस मुझे ये है कि कब जल्दी से जल्दी हम घर पर पहुँचे बस। ये देखो नूडल्स मिले हैं स्वागत से $7 के। ये देखो $7 के नूडल्स करवाए हैं, काफी बड़ा है, मतलब $7 में काफी ज्यादा नूडल्स है। शुक्र है कि कुछ तो है अच्छी चीज। इससे पता चल गया आपको इंडियन फूड तो यहाँ पर अच्छा मिल सकता है थोड़ा सा, मतलब। अभी भी 185 किलोमीटर पड़ा हुआ है और 1:45 का रास्ता बता रहा है, और टाइम 7:38 हो गए हैं शाम के, और मौसम एकदम से काफी बढ़िया हो गया है। यहाँ पर बादल आ गए हैं बाहर और बादलों में काफी बढ़िया लग रहा है मौसम, मतलब देखो आपको लग रहा होगा पता, इतना बढ़िया मौसम लग रहा है ना इस वक्त, बादल आ गए हैं। ये वाला मौसम था असल में केप ब्रेटन वाला, आज वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी थी, हद से ज्यादा गर्मी, बाहर घूमा भी नहीं जा रहा था, लेकिन ये वाला मौसम है असल में केप ब्रेटन वाला ट्रैकिंग करने वाला। अभी भी हमारी ऑलमोस्ट 2 घंटे की ड्राइव पड़ी हुई है घर पर पहुंचने की, तो बढ़िया जाएगा अभी सफर। ये देखो बारिश होने लग गई, अभी कितनी तेज बारिश हो रही है बाहर, लेकिन ऊपर मैंने ये सनरूफ खोली हुई है, लेकिन बिल्कुल भी अंदर बारिश नहीं आ रही सनरूफ से। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है बाहर, आपको पता नहीं चल रहा होगा इसमें, लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही है। ये देखो इस पानी से पता चल रहा है कितनी तेज हो रही है, लेकिन इस सनरूफ से बिल्कुल भी अंदर नहीं आ रही, वो इसलिए क्योंकि बारिश इस तरफ की है, हमारी तरफ की पता नहीं इस तरफ की है, समझ नहीं आ रहा किस तरफ की है, लेकिन बारिश अंदर नहीं आ रही इतना पता है, सनरूफ खुली भी हुई है। काफी बढ़िया मौसम हो गया है अभी, मजा आ रहा है। सारा कुछ बंद हो गया, मैं यहाँ पर ये देखो यहाँ शोपीस में आया था अभी, लेकिन ये भी बंद हो गया, सारा कुछ टोटली बंद है, कहते 8 बजे बंद हो जाता है यहाँ पर सारा कुछ। यही नुकसान होता है छोटे शहरों का कि सारा कुछ जल्दी बंद हो जाता है, फिर कुछ बंदा लेगा कहाँ से अगर कुछ खाना पीना होगा ना।